जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है आमिर की। आमिर, अयोध्या से हो आप? यस सर। और आपकी जर्नी जो इतनी लंबी थी नीट की, आपने पूरा भ्रमण कर लिया था तैयारी करते समय? जी, पूरा भ्रमण करने के बाद फिर आखिरकार आखिरी मंजिल पे जहां आना था मैं वहां पे आ करके और आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, कैसा रहा न्यू लाइट का एक्सपीरियंस? अब एक साल में ये सोच लिए सर, मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया जो मैंने पिछले 4-5 सालों में नहीं किया। इतना एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हो गया और काफ़ी सपोर्टिव भी, काफ़ी टीचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे साथ। वो तो ज्ञानी सर आपको लेके आए तो मैं समझ में आ गया। जी, ज्ञानी सर ने ही फिर अलाउ किया था इस चीज़ को। हाँ, वो काफ़ी सपोर्ट किया था सर ने, और विजय बहादुर सर ने भी सपोर्ट किया, आरडी सर ने भी, मतलब जितने भी और जो डाउट काउंटर पे बैठते हैं इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। और मज़े की बात यह है कि अब की बार जो मैं पेपर देने जा रहा था तो मैं न्यू लाइट के एक टीचर को पहचान नहीं रहा था, सर ने मुझे पहचाना और पहचान करके मुझे बुला करके फिर वहाँ मोटिवेट किया। और मतलब एसआरबी बैच में जो भी बच्चे होते हैं उनको 5-6 साल लग चुका होता है। जी, बेचारे बिल्कुल निचुड़ चुके होते हैं पैसे से, रुपए से, हेल्थ से, समाज के ताने से। जी, लेकिन न्यू लाइट में उनको इज्जत अच्छी मिलती है। हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी मतलब उनको सराहा जाता है न्यू लाइट में, और सपोर्ट तो एक किया जाता है, अच्छा खासा सपोर्ट, वो चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर फिजिकली हो, कोई भी जैसा सपोर्ट हो वो उनको पूरी तरह। मैंने IPL में 5100 का प्राइज अनाउंस किया है। जी सर, जो टीम जीतेगी मोटिवेट करने के लिए। अच्छा बेटा, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन 5-6 बार से रुका है? तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो उनको ये चाहिए कि कम से कम आके आपसे एक बार मिलें, यहाँ के टीचरों से एक बार आके मिलें। क्योंकि एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं टेस्ट देने बैठा था और फिर आपकी एंट्री हुई, आपने वहाँ कहा था कि जिसको भी मैं मार देता हूँ, ये मजाक के तौर पे आपने कहा था, जिसको भी मैं एक हाथ मार देता हूँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही आगे बढ़े आप, मेरी गुद्दी पे आपने एक लगा दिया, तो अचानक में आपने मारा, मैं पूरा एकदम सन्न रह गया उस पर। लेकिन आपने फिर जब ये जुमला बोला था तो आगे चल करके, अरे हमने इसलिए बोल दिया तो बुरा ना मान जाओ यार। हाँ, अब वो मजाक की बात थी लेकिन वो सच हो गई, कहने वाली बात। और फिर टीचरों का बहुत सपोर्ट और मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हाँ, वो तो भैया बैठे हैं, आप बता रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस क्वेश्चन पे आते हैं हम। जी, तो देखो बेटा, ऐसा है ना कि टीचर के साथ तो एक थोड़े समय का कांटेक्ट होता है। जी, लेकिन जो परिवार है, परिवार में मम्मी पापा भाई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बार बार इस बात को बोलना चाह रहे हो कि भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया। यस सर। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई तो आपका बिल्कुल मुरीद है आपके लिए। नहीं, मुरीद की बात, मेरे सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट भाई को है। और अगर इस तरह के परिवार हिंदुस्तान में हो जाए और भाई भाई को सपोर्ट करने लगे तो हमें लगता है कि बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाए। बात देखिए, ये भी मेहनत की है, ये अगर मेहनत ना करते तो हम कहाँ सपोर्ट कर पाते, इनका भी योगदान। नहीं नहीं, लेकिन उल्टा भी होता है ना कि छोटा भाई मेहनत करना चाहता, कई बार बड़ा भाई किसी चक्कर में नहीं कर पाता, नहीं तो हमारी चाहते हुए भी नहीं कर पाता। श्रीमती जी, हमारी वालदेन जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, यंग उठा लगाते थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी, हमारे वाली साहब की वालदेन की जो ख्वाहिश थी, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। तो हमारा एक भाई वकील हुआ, एडवोकेट हुआ, और हम क्या नाम, वो BA किए, और हमारा एक भाई वो भी क्या नाम पढ़े लिखे, बहनें भी पढ़ी लिखी, और इनको खासकर जो ख्वाहिश हमारी थी वो डॉक्टर की ख्वाहिश थी कि हम किसी न किसी सूरत से अल्लाह ताला इनको कागज। चलिए, बहुत अंदर की चीज़ पूछते हैं। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए इसको आप सपोर्ट करना चाह रहे थे और इसकी भाभी मना कर दे आपको कि क्या सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भाभी बड़ी तो कॉमन चीज है। नहीं सर, भाभी के बारे में तो मैं बताऊंगा, मेरी नजर में तो भाई से ज्यादा सपोर्टिव भाभी है, क्योंकि सबसे बड़ी वो है। क्या बात है, और सबसे ये मेन चीज यही है, मेन इंजन का काम उन्होंने किया सर। जब इंजन अच्छा होता है तो गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, और बाकी भाई जो थे वो तो पूरे डिब्बे की तरह। तुम्हारी भाभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी प्रणाम, और आप जैसे भाभी लोग मिल जाए तो बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाए, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि भाई चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। अभी हमने एक दो बच्चों का इंटरव्यू लिया तो उसमें यही था। यस, बहुत अच्छा। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है। भाभी का रोल तो सर ऐसा माँ से कम नहीं, रोल परिवार जिस तरीके चलाती है वो, परिवार
आप समझ लीजिए माँ से कोई कम नहीं है, लेकिन माँ को नहीं छू सकते। लेकिन ये बहुत ये हाँ। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत रेयर है जी सर। तीन तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये भी होता है कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी हम बताएं। यस। बाकी तो मैंने आप लोगों को बोला था जी। कि अगर मैं एक एक वीडियो बनाया सिलेक्शन का तो पूरा एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, चार वीडियो बनाए, जितने सिलेक्शन हुए जी। और बच्चों ने मेहनत करके, यस सर, कोई सोच सकता था एक बैच से 250 बच्चा सेलेक्ट हो? जी बिल्कुल। ये आप लोग बैठ रहे हो, आप लोग के आंख के सामने की बात है, हैं? क्या हो गया कि इतने सिलेक्शन होने लगे? बिल्कुल सर, आपने ऐसी रणनीति, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जी, आपने ऐसी रणनीति बनाई कि मतलब हर बार बच्चों का सिलेक्शन बढ़ता गया। आपने 500 कहा, 500 हुआ, अब की बार आपने 1000 कहा, वो भी होने वाला है, और आप जब आगे कहेंगे तो वो भी अल्लाह से दुआ है कि वो भी होगी। आप देख रहे हो यूपी के सब बच्चों ने सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया। यस सर, आप कानपुर उठा के देख लीजिए। एक्चुअली क्या है ना सर, बच्चे को बड़ी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है भाई। हम ही मान लो तैयारी करें और 4-5 बार सिलेक्शन ना हो तो घर वाले किस नज़र से देखेंगे? यही कहेंगे ना कि अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कभी मुँह से निकल ही जाएगा ना। यस सर। तो बच्चे को सपोर्ट कहाँ से मिले, और टीचर भी यही कर दे तो कहाँ से होगा? अब तुम लोगों का बेटा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तुम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि न्यू लाइट का SRB बैच पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया। यस सर। बल्कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर हमने अच्छा किया तो SRB बैच प्रमोशन मिलेगा क्या, है ना? हमारे SRB बैच के बच्चे न तो डिप्रेस होते हैं, क्यों, रोज मोटिवेशन मिलता है उनका, अपने ग्रुप में मिलता है, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। है ना, तो आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। और किस आदमी का कब समय हो, कौन सा समय हो, यू नेवर नो। कल हमने एक वीडियो देखा, एक सज्जन है अंधे, उन्होंने अपनी कंपनी पता नहीं कितने 1000 करोड़ की बना दी, और उसमें सारे जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उन्हीं काम दे रहे हैं, वो मोमबत्ती बना रहे हैं। आप देखिए समाज में कैसा कैसा काम कर रहे हैं लोग, है ना? तो एक काम तो करना ही चाहिए तुमको कि अगर सेलेक्ट हुए हो तो तुम्हारी तरह ऐसे जो भी बच्चे हो, यस सर, जो परेशान निराश हो, उनको एक पकड़ो और उनकी हेल्प करो। यस सर जी, है ना। और तुमने इस कोचिंग में एक चीज़ और देखा होगा कि यहाँ कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना, सब होना भी नहीं। भाई किसकी तरह है, सब प्यार से, लड़के लड़की सब एकदम प्यार से रहते हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे लोग भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो कहीं भी हो परेशान ना हो, अगर तुम्हारे नंबर आ रहे 570-580 आ रहे हैं ना, 550 भी आ रहे हैं, 500 के ऊपर आ रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर कैलिबर वही है जिनके नंबर 640-650 आ चुके हैं। वो बाई चांस कुछ सिली मिस्टेक हो गई, समय नहीं था तुम्हारा, चुपचाप आओ SRB में ज्वाइन करो, और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, ठीक है? तो बेटा बहुत बहुत बधाई कि तुम आए, मिठाई लेके आए, और अच्छा लग रहा है, और आगे बेटा अब आगे बढ़ो, क्योंकि एक बैरियर तुमने क्रॉस कर लिया। हाँ बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, जो इतना सपोर्टिव रहे हमारे साथ, ऐसे कठिन परिश्रम में उन्होंने हमारा साथ दिया। और आखिर में मैं एक शायर हैं आफरीदी, उनका एक शेर कहना चाहूँगा। तुम बोल रहे थे, हम बोल नहीं पाते, अब बताओ। हाँ। जी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना क्या चाहिए। बात है, क्या बात। तो बच्चों को चाहिए कि इतनी मेहनत कर दें, इतनी मेहनत कर दें कि नीट एग्ज़ाम उनके सामने मजबूर हो जाए, और मजबूर होकर के खुद कहे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ बल्कि तुम मेरे लिए बने हो। और हम तो एक चीज़ और कहते हैं कि अगर नीट एक युद्ध है तो युद्ध जितना आसान तब हो जाता है जब आपको पता है युद्ध कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, और दुश्मन के पास हथियार क्या है। हथियार क्या, NCERT? अब तो यार नीट में सेलेक्ट होना कुछ है ही नहीं। और बेटा आप जैसे बच्चों को बहुत बहुत इसलिए प्यार, सर देखिए मैं बच्चों को नीट के पहले 100 बार फोन करता हूँ, सिलेक्शन के बाद मैं बच्चों को फोन नहीं करता हूँ। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं सर। जैसे बाप होता है ना, बच्चे को बड़ा कर दिया, उसके बाद जाओ मस्त रहो, तुम्हारा मन हो आओ, मन हो नहीं आओ। लेकिन लोग कहते हैं बच्चे बदल गए, और हमारे बच्चे खुद आते हैं, हम बैठे हैं बहुत सारे बच्चे आके लौट जाते हैं। तो ये तो बच्चे क्या है ना, प्योर सोल है। अगर हम बड़े लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो समाज अच्छा होगा।
अगर हम ही लोग इनके साथ चालाकी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आजकल कोचिंग में बिल्कुल एकदम व्यापार मंडल ऐसा बिजनेस हो गया, पूछिए नहीं। सही सर, बड़ी तकलीफ होती है, 40 साल हमको हो गए करते हुए। हमारा तो ये होता है सर कि बस ये सिस्टम चलता रहे किसी तरह से। अगर हम 200 पेपर कराना चाहें तो पेपर करा लें। और अभी आरडी सर बता रहे थे कि SRB बैच में जितना पेपर होता है उसका बच्चा कास्ट जोड़ ले तो उसकी फीस कभी उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। सर 100 पेपर का कास्ट, उसका जो 100 पेपर का कास्ट होता है, कॉस्ट होता है, उसको वो उसके बराबर नहीं दे सकता। मतलब मिनिमम मैं ज्ञानी सर हमारे बैठे हैं, टाइपिस्ट के साथ इनको कितना लगना पड़ता है, सबके साथ लगना पड़ता है मिनिमम कम से कम पहली बार। क्योंकि बेटा मेरा लक्ष्य होता है सिलेक्शन, फिर हम भूल जाते हैं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। सर वही कहूँगा सर कि पिछले 4 सालों में मैंने जितना टेस्ट नहीं दिया आपने 1 साल में उतना टेस्ट ले लिया सर। मैं मिनिमम बता रहा हूँ सर, मिनिमम 100 टेस्ट मैंने दिया और आप हमेशा टेस्ट पे फोकस करते हैं। अभी SRB बैच जो आया है जी, 20 टेस्ट दे चुके हैं जी सर। अरे उनको फुल सिलेबस टेस्ट दे के इतनी आदत पड़ जाएगी, उनका कहाँ सिलेक्शन रुकेगा। यस सर, बस अब ऊपर वाले से यही दुआ है कि इस तरीके से मुझे बनाए जैसे SP सर हैं हमारे, इसी तरीके से बनाए ताकि लोगों का सपोर्ट कर सकें और लोगों के लिए सपोर्टिव नेचर रख सकूं। बस यही कामना है कि सर से भी यही है कि सर मेरे लिए इस हक में दुआ करें। बस थैंक यू। तो हम भैया से कहेंगे कि आपको ये एप्रिन पहनाए जी, और ये भी कहेंगे ऐसे भाई सबको मिले भाई। इनका भी नंबर आएगा जल्दी। और हम बोलते थे स्मार्ट लग गया यार। ये लीजिए सर, इसमें स्टेथोस्कोप पड़ेगा।